अपन पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अपन पढ़ रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। मैंने आपको बताया हम कि एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, और एंड ऑफ द ईयर में हमारे असेट और लाइबिलिटीज की क्या पोजिशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अपन पढ़ रहे थे एक सोल प्रोपराइटर, जो एक हमारा सोल प्रोपराइटर होता है, तो सोल प्रोपराइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं। तो जब एक सोल प्रोपराइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, तो एंड ऑफ द ईयर में जब एक सोल प्रोपराइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो दो तो अकाउंट बनते हैं, जिसमें से एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक अपन बनाते हैं स्टेटमेंट जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस शीट। तो अभी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाई दिस ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कि ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, कि हमने जो सेल और परचेज करी है, तो सेल और परचेज से रिलेटेड हमने जो एक्टिविटीज करी हैं, उन एक्टिविटीज को करने से हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इट इज मेड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट एंड इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो एक्रूअल कंसेप्ट पे इसको बनाते हैं, तो एक्रूअल कंसेप्ट पे बनाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी ईयर के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट, और इनकम कौन सी रिकॉर्ड होती है, कौन सी ईयर की करंट ईयर इनकम वेदर रिसीव और नॉट, और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की कोई इनकम अपन ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। और अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस लॉस एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। नाउ मैंने आपको बताया कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो दो अकाउंट बनाएंगे, जिसमें से एक तो हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब सेकेंड अकाउंट जो बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, व्हाई दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया था, कि केवल सेल और परचेज से रिलेटेड जो एक्टिविटी करी उससे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो पता लगाने के लिए तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, कि पूरे ओवरऑल बिजनेस में मैंने जितनी भी एक्टिविटीज करी हैं, पूरे ओवरऑल बिजनेस में मैंने जितनी भी एक्टिविटीज करी हैं, उन सारी एक्टिविटीज को करने से मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ वो पता लगाने के लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है। ये पूरे ओवरऑल बिजनेस में फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च मैंने जितनी भी एक्टिविटीज करी हैं, उन सारी एक्टिविटीज को करने से मेरे को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो पता लगाने के लिए अपन क्या बनाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इज इट क्लियर व्हाई दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। समझ में आ गई बात। लिखा है इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ओवरऑल एक्टिविटीज डूइंग इन द बिजनेस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये भी नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है एंड इट इज मेड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये भी एक्रूअल कंसेप्ट पे बनाया जाता है। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कौन से ईयर के एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी ईयर की इनकम आप रिकॉर्ड करेंगे, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव और नॉट, और कौन सी ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो प्रीवियस ईयर के या फिर नेक्स्ट ईयर के हम इनकम और एक्सपेंसेस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इट इज मेड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट एंड इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। और मैंने आपको बताया इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा एंड ऑफ द ईयर में बनाते हैं, साल के बीच में नहीं बनाए जाते। तो ये ऊपर लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, वही दो साइड है, यहां लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है।
अब मैंने आपको ऊपर जब बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, एंड दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लिखेंगे यहाँ पे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी वो ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको लिखेंगे। और अगर इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या था, ग्रॉस लॉस, तो उसको भी आप कार्ड ट्रांसफर करोगे, इधर पीएनएल में लिखोगे सबसे पहले टू ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस। समझ में आ गया, समझ में आ गई कहां से आया, वो ट्रेडिंग अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इधर क्रेडिट साइड में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो वो ग्रॉस लॉस है तो उसको डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या बताया था कि मैंने आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो कोई भी खर्चा अगर प्रोडक्ट बनने के बाद अगर इनकर्ड हो रहा है तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रोडक्ट बनने के बाद कौन से खर्चे होते हैं, उसके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी खर्चा हो रहा है रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट हो गया, अपने यहाँ से कस्टमर के यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई कैरेज या फ्रेट पे कराया तो वो हो गया, तो वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो यहाँ पे आएंगे। अगर किसी तरह का कोई भी अगर आपने प्रोविजन बनाया तो वो यहाँ पे आएगा। किसी तरह का कोई भी अगर लॉस हुआ है, अपन ने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, तो अगर आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन में अगर फिक्स एसेट को सेल करने पर अगर कोई लॉस होता था तो उस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बस वो यही है, मतलब वो उसका लॉस नहीं, कोई सा भी अगर बिजनेस में लॉस हो रहा हो, एक्स वाई जेड किसी तरह का कोई भी लॉस हो रहा हो, बाय लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जो भी लॉस है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स क्या होती हैं, सेल को छोड़कर बाकी सारी इनकम इनडायरेक्ट होती हैं, लाइक इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, मतलब सेल को छोड़कर कोई भी अगर इनकम है ऑल आर इनडायरेक्ट इनकम। तो जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर आपके इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बस ये रिकॉर्ड होता है पीएनएल में। अब अगर इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। उसको क्या बोला जाता है, नेट प्रॉफिट बोला जाता है। ये फाइनल अकाउंट किसके सीख रहे हैं बताने, सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटरशिप फर्म क्या होती है, जहां पर एक अकेला बिजनेस का ओनर होता है। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है केवल एक ही पर्सन का है, सोल प्रोपराइटर का, और तो किसी का नहीं है। बिजनेस में प्रॉफिट पे राइट किसका होता है, ओनर का, एक ही ओनर है, तो इसलिए पूरा का पूरा प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट कम है, मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डेबिट बैलेंस कहलाता है नेट लॉस, इट विल ऑल्सो ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओनर। समझ में आ गई बात, तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। क्यों बनाते हैं, समझ में आ गया, व्हाई दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, क्यों बनाते हैं, कि पूरे ओवरऑल बिजनेस में साल भर में जितनी भी एक्टिविटीज करी हैं उन सबको करने के बाद लास्ट में कितना प्रॉफिट बचा वो कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एक्रुअल कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू एक्रुअल कंसेप्ट विच इनकम्स एंड विच एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेदर पेड और नॉट, एंड विच इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेदर रिसीव और नॉट, एंड विच ईयर इनकम एंड एक्सपेंसिज नॉट रिकॉर्डेड, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, राइट। और वॉट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, एंड वॉट इज द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस। एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है वॉट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्लियर। क्या चीज, लेजर अकाउंट नहीं, ये इट इज अ लेजर अकाउंट, ये टाइप ऑफ लेजर अकाउंट है,
इसमें डेट का कॉलम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में बनाया जाता है, तो ये डेट मैंने यहाँ ऊपर लिखूंगा सबसे ऊपर। बाकी फॉर्मेट वही है, लेजर वाला अगर देखो तो वही है, दो साइड डेबिट और क्रेडिट। ये गलती से इधर आ गई, इधर ही आएगा ये क्रेडिट। डेट डेट का कॉलम क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये एंड ऑफ द ईयर में बनता है, मैंने बताया ना साल के बीच में नहीं बनाते, ये 31 मार्च को बनाया जाता है, तो इसलिए डेट मैंने यहाँ कॉमनली लिख दी ऊपर। यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। समझ आ गया? तो ये दो तो अकाउंट बन गया, अब एक बनेगा स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? व्हाई दिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड? बैलेंस शीट बनाई जाती है कि टू नो कि एंड ऑफ द ईयर में आपके असेट और लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है। एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम ये बैलेंस शीट बनाते हैं। और किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता कैसे चलता है? उसके असेट और लाइबिलिटीज को देख के, कि एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास कितने असेट और कितनी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है ना? तो लिखा है इट इज प्रिपेयर्ड टू नो द पोजीशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये स्टेटमेंट होता है, ये अकाउंट नहीं है, इसलिए दिख रहा होगा यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है। इट इज अ स्टेटमेंट। ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट और अकाउंट। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अकाउंट। ठीक है, क्यों बनाते हैं वो समझ में आ गया कि वाई बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट बनाई जाती क्यों? कि एंड ऑफ द ईयर में हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब या फिर यू बोलिए सिंपल सी लैंग्वेज में कि एंड ऑफ द ईयर में मेरे पास कितने असेट है और कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन वही 31 मार्च। यहाँ लाइबिलिटीज अमाउंट असेट अमाउंट, इसको उल्टा नहीं करना है। कुछ अभी प्रैक्टिस करते समय आदत हो जाए, बोले यहाँ असेट लिख दिया लाइबिलिटी, बोले क्या फर्क पड़ता है, नहीं ये फॉर्मेट फिक्स्ड है। यहाँ पे सबसे पहले लाइबिलिटीज आएंगी बिजनेस की सारी, फिर अमाउंट आएगा, फिर असेट आएंगे और फिर अमाउंट। तो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो यहाँ लिखोगे और जितनी भी असेट हैं वो यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कैपिटल, इसके लिए वर्किंग नोट बनाते ही बताता हूँ। फिर आपने कोई रिजर्व बनाया तो वही आएगा, जितने भी कोई भी लोन लिए वही आएगी, कोई भी करंट लाइबिलिटी आएगी, प्रोविजन मतलब जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सब इधर लाइबिलिटी साइड में लिखनी है। और जितने भी आपके असेट्स हैं, चाहे वो फिक्स असेट हो, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अवर असेट, चाहे वो करंट असेट हो, लोन एडवांस, ये कौन सा लोन एडवांस जो आपने दे रखा है, जो ले रखा है वो तो लाइबिलिटी हो गई, और जो दे रखा है वो असेट होता है। तो अगर किसी को लोन दे रखा है तो यहाँ पे आएगा। और एक होता है मिसलिंग एक्सपेंडिचर, ये भी बाद में बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज है। ठीक है, कैपिटल का कितना बैलेंस यहाँ पे शो होगा उसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, फिर ऐड करते हैं इसमें एडिशनल कैपिटल को लगाइए तो, फिर ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, ये कहाँ से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया था वहां से आया है, तो वो जो भी नेट प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो, लेस करेंगे ड्यूरिंग द ईयर जो भी ड्राइंग्स हैं। अब सुनो, ड्राइंग एक तो ड्राइंग के नाम से तो होती है, एक क्वेश्चन में दे रखा होगा इनकम टैक्स, इट इज ऑल्सो अ ड्राइंग। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इज ऑल्सो अ ड्राइंग। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये भी ड्राइंग होती है, ये सब ड्राइंग्स हैं। तो यहाँ पे क्या होंगी, लेस करेंगे, लेस करेंगे नेट लॉस, ये कहाँ से आया? पीएनएल से आया। और एड लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल, तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी इसको आप यहाँ पे शो करोगे बैलेंस शीट। तो क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आया था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसको यहाँ पे ऐड करा, फिर ये जो कैपिटल आई उसको यहाँ पे लिखा। और अगर सब कुछ सही किया है ना, जर्नल एंट्री एकदम सही करी, लेजर पोस्टिंग सही करी, फिर उसकी बैलेंसिंग भी एकदम सही करी, फिर उससे ट्रायल बैलेंस भी एकदम सही बनाया, और ट्रायल बैलेंस को देखकर ये बनाए जाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। तो उस ट्रायल बैलेंस को देखकर मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट एकदम सही बनाया, मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एकदम सही बनाया, और बैलेंस शीट भी एकदम सही बनाई। तो ये बैलेंस शीट का ये जो टोटल है ना लाइबिलिटी साइड का टोटल, ये इक्वल आएगा बैलेंस शीट के असेट साइड के टोटल के। और अगर ये इक्वल नहीं आ रहा, मतलब कहीं गलती करी है इसलिए इक्वल नहीं आ रहा। ये आखिरी काम होता है अकाउंटिंग का, यहाँ पे आके हमारी अकाउंट्स खत्म हो जाती है। समझ में आई बात?
ये बैलेंस शीट बराबर आ गया, मतलब सब कुछ सही हो गया। समझ में आई बात? देखो बुक, आप लोग सुन लीजिए, और जो ऑनलाइन है वो बुक बुक निकालिए। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो इसमें क्या होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है, और उस ट्रायल बैलेंस को देख के आपको इसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, अभी अपन कर रहे हैं। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन सुनना क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग, अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये पेज नंबर होगा 1.12 पे, ये 1.14 के आसपास होगा कहीं, देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, देखो सुनना क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस पता है ना क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं अकाउंटों के। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस कह रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट, और बैलेंस शीट भी बनानी है इस डेट को। ठीक है ना, फिर कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, कह रहे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू क्या कितने का, 18,000 का। अब इसको देख के आपको इसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब देखो एग्जाम में, अब आपको पता है सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, और जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही अटेम्प्ट करिएगा, वरना इस क्वेश्चन को करने में 1 घंटा लग जाएगा और सही भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। कैसे, सबसे पहले तीनों के फॉर्मेट बनाओ, ट्रेडिंग का, पीएनएल का और बैलेंस शीट का। एग्जाम में कैसे बनाओगे, पहले पेज पे पूरा ट्रेडिंग अकाउंट फुल पेज पे, दूसरे पेज पे क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरे पेज पे बैलेंस शीट, और चौथे पेज पे वर्किंग नोट। ऐसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। पहले पेज पे क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग, दूसरे पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरे पे बैलेंस शीट, और चौथे पेज पे वर्किंग नोट। सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाने हैं। ठीक है, देखो ये तो मेरा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। इसको बना के मैं क्या निकालूंगा, अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकालूंगा। ये बैलेंस शीट है, तो उसके ऊपर आप लिखोगे, इन सबके मार्क्स होते हैं फॉर्मेट के, बैलेंस शीट एज ऑन कब बनानी है, 31 मार्च 2020। यहां लिखेंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, फिर ये आपका है ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहां पे आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द
ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, particular amount. ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे मैंने ये बना दिया ऐसे, लेकिन मैंने बताया एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट पेज पे ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेकंड पेज पे, उसके बाद क्या बनाओगे थर्ड पेज पे बैलेंस शीट, एंड फोर्थ पेज पे वर्किंग नोट। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले दे रखा है स्टॉक, दे रखा है 1 अप्रैल का, मतलब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक का लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के लिखा जाता है। तो आप यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, ये आपको दे रखा है 16,000 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। फिर दे रखिए परचेज, परचेज को क्या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं टू परचेज, कितना दे रखा है 55,000, इन दो की जगह फिक्स है, अब बाकी कुछ भी कहीं भी लिख लो ट्रेडिंग अकाउंट में। ये दो सबसे पहले ऐसे ही आएंगे, पहले ओपनिंग ऑफ ए परचेज। ठीक है, अब दे रखा है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में टू सेल्स रिटर्न, कितनी दे रखी है सेल्स रिटर्न 2,000। उसके बाद है कैरेज, कैरेज का मतलब क्या मानेंगे यहां पे, ये वो कैरेज पे कर रहा है रॉ मटेरियल खरीदते समय जो कैरेज है वो है ये साइलेंस के केस में। तो ये खर्चा कब हुआ, प्रोडक्ट बनने के पहले, और खर्चा प्रोडक्ट बनने के पहले मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। यहां लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैरेज 3,500। समझ में आ गया कैरेज का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं लिखा वो समझ में आ गया। फिर है वेजेस, अब सुनो, जो फैक्ट्री में काम करता है उसको वेजेस देते हैं, जो ऑफिस में काम करता है उसको सैलरी देते हैं, और फैक्ट्री से रिलेटेड सारा खर्चा डायरेक्ट होता है और ऑफिस का सारा खर्चा इनडायरेक्ट होता है। ऑफिस का सारा खर्चा क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं इट विल बी रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। कितना दे रखा है वेजेस 12,500 के दे रखे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। सैलरी, सैलरी मैंने बताया किसको देंगे, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारा खर्चा इनडायरेक्ट होता है। एक लाइन छोड़ के लिखनी है, क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस होता है सबसे ऊपर लिखा जाता है, इसलिए एक लाइन छोड़ के लिखना हमेशा। अरे मेरे को पता नहीं ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, तो यहां लिखेंगे टू सैलरी, कितने की सैलरी है 10,000 की। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी सब चीजें ऑफिस में काम आती हैं, तो दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड टू द ऑफिस, और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सारा खर्चा इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कहां शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये दे रखी है आपको 3,400। फिर है ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस क्या होते हैं, सेल से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं ना, सेल से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो ट्रेड एक्सपेंस कहलाते हैं। तो सेल कब होगी, प्रोडक्ट बनने के बाद होगी ना, तो मतलब ये खर्चा प्रोडक्ट बनने के बाद हो रहा है, तो बाद हो रहा है तो मतलब ये इनडायरेक्ट है, प्रोडक्ट बनने के बाद इनडायरेक्ट, पहले डायरेक्ट। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं इट विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखोगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस, कितना है 2,000। फिर है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या होता है, इट इज आवर करंट असेट, कैश इन हैंड इज आवर
करंट असेट और जितने भी असेट होंगे इट विल बी रिकॉर्डेड इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो आप यहां लिखोगे कैश इन हैंड कितना है 3500, समझ में आ गया। जो भी असेट होंगे सब बैलेंस शीट के असेट साइड में आएंगे। बिल रिसीवेबल अभी पढ़ा है, इट इज अ करंट असेट। बिल रिसीवेबल हमारा क्या होता है? करंट असेट। तो इट विल ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बिल रिसीवेबल इट इज अवर करंट असेट, कितना दे रखा है 8000। फिर है बिल रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है सन्ड्री डेटर, डेटर्स। तो डेटर भी हमारे करंट असेट्स होते हैं, सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं। तो इट इज अवर करंट असेट। तो जितने भी असेट्स होंगे ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कितना दे रखा है 22000। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज ऑल्सो अवर फिक्स असेट। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट होती है। तो जितने भी मैंने बताया ना, जितने भी असेट्स हैं ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लैंड एंड बिल्डिंग इधर रखिए 30000। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, इट इज ऑल्सो अवर फिक्स असेट। प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स असेट होती है, कहां रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, कितनी देर के प्लांट एंड मशीनरी 20000। ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे? अभी अपन कैपिटल लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल लिखेंगे अभी। तो इस वर्किंग नोट में कैपिटल में से ड्रॉइंग को क्या करेंगे? लेस करके शो करेंगे। तो लेस करेंगे ड्रॉइंग, ड्रॉइंग दे रखी है 8000 की। समझ में आ गई क्या बात? फिर दे रखा है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, क्या होते हैं? ये भी फिक्स असेट होते हैं। फर्नीचर इज आवर फिक्स असेट, कहां लिखोगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपको दे रखे हैं कितने 10600। रेंट, बात आती है रेंट तो फैक्ट्री का भी हो सकता है और ऑफिस का भी हो सकता है। साइलेंस के केस में रेंट को हमेशा ऑफिस का मानते हैं, ये मानते हैं फैक्ट्री घर की होती है, ऑफिस किराए का होता है। तो साइलेंस के केस में रेंट हमेशा किराए का मानोगे? ऑफिस का। और अभी बताया ऑफिस से रिलेटेड सारा खर्चा इनडायरेक्ट है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस, साथ में दे रखे हैं, इनडायरेक्ट होते ही हमारे 6500। समझ में आ गया? अब आपको दे रखे हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? करंट लाइबिलिटी होती है। तो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं ऑल आर रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं कितने 20000 के। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज रिटर्न, कितना दे रखा है परचेज रिटर्न आपको 1000। सेल्स, सेल्स को भी क्या लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेल्स, कितनी दे रखी है सेल्स 1,03,000। कमीशन दे रखा है, कमीशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? ये इनकम है और एक्सपेंस है। इनकम, एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं ना उनके तो डेबिट बैलेंस होते हैं, और जितनी भी हमारी इनकम्स है, जितनी भी हमारी इनकम से उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो कमीशन का क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये हमारी इनकम है। तो मैंने अभी आपको बताया था सेल को छोड़कर बाकी सारी इनकम क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है। और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक लाइन क्यों छोड़ी है? क्योंकि अभी पता नहीं वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ग्रॉस लॉस आएगा। तो यहां लिखेंगे बाय कमीशन, कितना कमीशन दे रखा है 4500। फिर कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल को इधर वर्किंग नोट में लिखोगे आप एक बार, कितना है 56000। बिल्स पेबल, करंट लाइबिलिटी होती है, अभी बताया, अभी पढ़ा चैप्टर। तो बिल्स पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल 8500।
बैंक लोन, बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी, इट इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कहा लिखेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, बस ट्रायल बैलेंस खत्म। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 18,000 का, अभी समझाया था। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, क्या मतलब है, वैल्यूएशन तो हो गया, अकाउंटिंग नहीं हुई है, तो एक तो कहां शो करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 18,000, और दूसरा आप इसको शो करोगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 18,000, बस समझ आ गया, क्वेश्चन खत्म। अब इसका अपन बैलेंस निकालेंगे, देखो इधर बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पे क्या है दिख रहा है साफ साफ, क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो यानी ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मींस ग्रॉस प्रॉफिट, क्या कहलाएगा ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। क्या किया मैंने, ये क्रेडिट साइड का टोटल में से डेबिट का सारा माइनस कर दिया, तो ये बैलेंसिंग फिगर यहां पे निकल के आ रहा है 33,000 का। समझ में आ गया कि 33 कैसे है, इन तीनों को जोड़ा उसमें से सब चीजें सारे खर्चे माइनस कर दिए तो ये बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप यहां लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री होगी ट्रेडिंग टू पीएनएल, तो पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 33,000। अब इसमें भी दिख रहा है क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट कहलाता है, क्या कहलाता है नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, इन दोनों के टोटल में से तीनों चारों माइनस किए तो ये बैलेंस बच रहा है 15,600, कितना बच रहा है 15,600, इट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे इसको अपन, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कितना है याद रखना 15,600, तो यहां पे अपन ऐड करेंगे क्या नेट प्रॉफिट, कितने का नेट प्रॉफिट है 15,600 का नेट प्रॉफिट है, तो ये क्या आ गई हमारी, ये हमारी आ गई क्लोजिंग कैपिटल, तो ये एडलेस करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 63,600 की, इसको आप यहां लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल या केवल कैपिटल भी लिख सकते हो, कितनी है 63,600, ये सब एडलेस करने के बाद। अब इसका टोटल करेंगे यार है 112,100, और ये भी यार है 112,100, तो इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं एंड ऑफ द ईयर में। समझ में आया क्या, आज आप घर जाके एक तो होमवर्क तो करना ही है, प्लस जो आपकी एससी शर्मा की जो सेकंड बुक है